दो चीजें हैं मेरे मन में। पहली बात यह कि 2004 का एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि तब सब लोग कह रहे थे बीजेपी सरकार में आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी के सामने कोई नहीं है, प्रमोद महाजन जैसा चाणक्य विपक्ष के पास नहीं है, और अंत में उनकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके वो नहीं उभरते हैं। और 2014 में जब 2009 में बीजेपी कांग्रेस के पास 205 सीटें थी, तो किसी पत्रकार ने नहीं कहा था कि कांग्रेस की सीटें 50 से भी कम चली जाएंगी। लोग तब भी कह रहे थे 125 130 तक तो कांग्रेस की आई जाएगी, हो सकता है सरकार ना बने लेकिन फिर भी इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आज भले ही कोई डिसरप्शन दिखाई ना पड़ रहा हो, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में काफी होती है। लोग सोचने लगते हैं, हाँ यार ठीक है, अब किसी और को ट्राई करते हैं। विजय जी, विजय गुरु नहीं, विजय आशुतोष, मैं जो सुगाता विजय त्रिवेदी और यहाँ पर जो बात रखी थी अभी, आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट पुट वन थिंग इन फैक्टर। 2014 का जब चुनाव आया था तो शायद कहीं ना कहीं वो आक्रोश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वह आक्रोश था लोगों में कि बदलाव चाहते थे, अच्छे दिन का सपना, और जैसे नीरजा जी ने कहा कि और कार्तिकेय ने कहा कि एक एस्पिरेशनल वोट जो होता है, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो उसके फैक्टर पे हमने देखा कि 283 सीट बीजेपी की आई। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसी उत्साह में गैस सब्सिडी छोड़ दी और अपना मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन जीएसटी अन्य फैक्टर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। 2019 में जब बीजेपी की परफॉर्मेंस बेटर हुई, दैट वॉज अ वोट फॉर कंटिन्यूएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो मतदाता था वह सहमत था कि कुछ बदलाव आ रहा है देश में, अगर मैं कुछ सैक्रिफाइस भी कर रहा हूं तो देश के लिए कर रहा हूं, क्योंकि तब तक अदानी का मुद्दा या अन्य मुद्दे नहीं आए थे। तो 2019 तक जो था वो एक कंटिन्यूएशन वोट था, इसलिए हमने देखा कि जो बीजेपी का ग्रोथ आया था 2014-2019 में, लेकिन 19 के बाद जो बदलाव अभी देखा है, भले ही बड़ा डिसरप्शन नहीं आया है बिफोर जैसा जो कि 1994 में था, लेकिन कई ऐसी छोटी रुकावटें जरूर सामने करना पड़ रहा है एनडीए को और बीजेपी को, जिसका कि जवाब शायद अभी तक कई लोग तलाश रहे हैं कि अदानी को जिस तरह के फेवर्स मिले या अन्य मुद्दे जो आए थे या जो प्राइस राइज को लेकर के मुद्दे हैं, आज भी टमाटर मतलब इट्स बिकम अ जोक कि मतलब टमाटर खाते हो कि नहीं खाते हो, तो ये सब चीजें भले ही वो बड़ा इशू ना बना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में ये चीजें बैठती जा रही हैं, जो कि 2024 में कुछ हद तक बदलाव ला सकती है, और यही एक चीज होगी जो 2024 में नंबर किसके किसको आएंगे वो शायद स्टिल टू अर्ली कि किसका दिल बैठेगा, किसका दिमाग चलेगा और क्या होगा, लेकिन एट एंड ऑफ द डे अगर आप मतदाता की तरफ से देखें, जो साइलेंट वोटर कर्नाटक में दिखा था जिसने कि बदलाव लाया, शायद उस तरह का बदलाव कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि लोग अपनी एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो होती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। विजय त्रिवेदी जी, ये 300 रुपए किलो अगर टमाटर मिल रहा है तो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, लोग भूल जाएंगे। अदरक भी तकरीबन 200 रुपए के हिसाब से मिल रहा है इस वक्त। महंगाई तो बड़ा इशू है और ये चिंता की बात है कि महंगाई किस तरह से उसको एड्रेस कर रही है सरकार या नहीं कर रही है। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत अच्छे से एड्रेस कर पा रही है, लेकिन वो इशू कितना लिंगर ऑन करता है, कितना सस्टेन करता है, और इसकी जिम्मेदारी जो अपोजिशन में पार्टीज बैठी हैं उनकी है कि वो उन इश्यूज को जिंदा रखें या सस्टेन करके रखें। टमाटर जो आज बारिश के मौसम में 300-250 रुपये किलो हो रहा है, सर्दियों में आते आते 20 रुपये किलो हो जाएगा, ठीक है, तो फिर तो आप 250 रुपये किलो के टमाटर पर इशू नहीं लड़ सकते ना। तो महंगाई को कितना सस्टेन कर, महंगाई बहुत बड़ा इशू होता है लेकिन क्या आप उसको सस्टेन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी बात है जो एस्पिरेशनल इंडिया है ना, उसको एस्पिरेशन चाहिए, वो बहुत तेजी से भाग रहा है आगे। अब उसने उसकी सारी प्रायोरिटीज खत्म हो गई हैं, रिश्ते नाते देश सब कुछ खत्म है, वो एस्पिरेशनल है और वो आगे बढ़ना चाहता है। क्या अपोजिशन ये एस्पिरेशनल इंडिया को एड्रेस कर रहा है, जो अभी नहीं लग रहा, हो सकता है कल की मीटिंग के बाद या उसके बाद अगली मीटिंग में, क्योंकि मैं इसको ये नहीं कह रहा कि आज खत्म हो जाएगा, मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि ये प्रोसेस है, आगे जाकर भी बहुत अच्छा सा कुछ, और ये तो स्लोगन की जरूरत है ना खाली, अच्छे दिन आएंगे आगे कि नहीं आए ये इशू नहीं है, अच्छे दिन आएंगे ये भरोसा दिलाना जरूरी है। तो ये भरोसा कि अब हम बेहतर दिन ला सकते हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और डिसरप्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। आप कर्नाटक हिमाचल की बात कर रहे हैं, क्या बदला, कुछ भी नहीं बदला। कांग्रेस को
सरकार बन गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट तो उतना ही के उतना रहा। और विधानसभा के चुनाव को में जो ये मार्जिन है वो लोकसभा के चुनाव के मार्जिन से बहुत फर्क होता है। और आप 1989 की बात कर रहे हैं, 415 सीट में बोफोर्स का आपको याद होगा, निर्जा जी को पता है, सब लोगों को पता है कि कितना बड़ा इशू बन गया था उस समय, कि वो डार्क स्पॉट था राजीव गांधी जो मिस्टर क्लीन प्राइम मिनिस्टर थे उस पर। उसके बाद भी 197 सीट्स आई थी और वो राजीव गांधी ने विड्रॉ कर लिया। यदि चाहते तो उस समय भी सरकार बना सकती थी कांग्रेस, वो इतना बड़ा इशू नहीं था, 197 सीट्स तो उस समय थी उनके पास। तो आज क्या देश में इतनी नाराजगी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या देश का वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या मौजूदा एनडीए सरकार से इतना नाराज है कि वो जब चाहेगा कि इसको बदलना ही है, जो 2014 में हुआ। Let me play devil's advocate. 1967 में क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश था कि सारा विपक्ष एक होने के बाद 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार गई थी? मुझे तो नहीं लगता इतना आक्रोश था उस वक्त। लेकिन चूंकि सारा विपक्ष एकजुट हुआ था और अपोजिशन यूनिटी का पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हारी चुनाव। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। आज तो आप 1967 याद करते हैं, आज का मुझे ध्यान पड़ रहा कोई डिसरप्शन भी उस वक्त नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ आप 1967 मत याद कीजिए, आज का दिन याद कीजिए, जब 23 बार विंबलडन जीतने वाला आदमी 20 साल के लड़के से हार जाता है। तो ये आपकी कोशिश कैसी है ये इम्पोर्टेंट है। 1967 याद करने की जरूरत नहीं है, 2023 की 16 जुलाई याद कीजिए, दुनिया का इतिहास बदल दिया उसने। लेकिन ऐसे इतिहास बदलने के लिए उस तरह की शिद्दत चाहिए होती है। जिन वीपी सिंह का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसका जिक्र मैडम ने भी किया, वो वीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी की जो जहां झंडे लगे होते थे उन सभाओं में चढ़ते नहीं थे, भाषण नहीं देते थे। लेकिन उसी सभा का मैं जिक्र करता हूं कि वाजपेयी जी थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे सवाल पूछा कि यदि बीजेपी को मेजोरिटी मिलती है तब क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा? तो वाजपेयी ने वीपी सिंह के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा था कि इस बारात के दूल्हा वीपी सिंह हैं, क्या अपोजिशन आज की तारीख में उस दूल्हे का नाम लेने के लिए तैयार है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये इशू है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है ना, आप उसका जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए इशू तो है वो। नहीं, सैक्रिफाइस कैसे करेंगे, कितना करेंगे? सुगता जी जब कहें कि 150 सीटें कांग्रेस सैक्रिफाइस कर सकती है कि नहीं कर सकती है? और सैक्रिफाइस करना ही नहीं है, वो 150 सीटों से नतीजे निकालने की संभावना है। मैं उसे सैक्रिफाइस नहीं करा, क्योंकि वो 150 सीटें तो वो हारने ही वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल गए थे, तो जितनी ज्यादा सीटें कांग्रेस ले लेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। इससे ज्यादा वो अपनी ताकत को देख ले कि कहां पर है, और वो 200 सीटों पर भी लड़े और उसमें से 100 सीटें निकाल ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए अपोजिशन और अपोजिशन का ये कदम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नॉन सीरियसली लेना चाहिए, और हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, बीजेपी जरूर ले रही है। और तो ये छोटी छोटी नहीं छोटी पार्टी जो है स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी बहुत गंभीरता के साथ इस मीटिंग को ले रही है। ये बात एक छोटी सी लाइन जोड़ दूं कि बीजेपी के जो ये जो छोटी छोटी पार्टी आ रही है, ये परसेप्शन और ये मैसेज देने के लिए है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, महादलित है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, वो सब हमारे साथ आ रहे हैं। और उसका वोट ओम प्रकाश राजभर का 10,000 होगा उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली में 200 वोट भी हैं तो वो 200 वोट उनके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन देने की कोशिश भी है, मैसेज देने की कोशिश। ठीक है, सुगा, तो यहाँ पे मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि बीजेपी बेसिकली एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है, और बीजेपी का नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे राज्यों में उसका 90% के ऊपर सीट्स हैं, उसकी स्ट्राइक रेट 90% के ऊपर है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि दो बार आप गुजरात के अंदर 100% सीटें लेकर आए, राजस्थान में 100% सीटें लेकर आए, मध्य प्रदेश 100% सीटें लेकर आए, क्या तीसरी बार भी वो 100% सीटें बीजेपी ला सकती है? क्योंकि यहाँ अगर उसके उसके हर राज्य में 2-3 सीटें में अगर कम हुई तो बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इज बीजेपी गोइंग टू रिपीट द सेम परफॉर्मेंस व्हिच इट हैड इन 2014 एंड 2019 इन दीज स्टेट्स इन यूपी इन नॉर्थ इंडिया? Ashutosh, they may repeat their performance or may not. Hmm. But I would like to reiterate the same argument that I made earlier, which is, you know, I mean, you have been picking examples from the past, which is...